ये इशू हमारा इंडिजिनस पीपल का बीच में था ही नहीं ना, उस दिन ही तो शुरू हुआ। दिबंग बेल का जब कंपेंसेशन प्रोसेस करते समय में बोलता है नहीं, यूएसएफ लैंड को तो हम लोग नहीं देगा, ऑल द लैंड फॉल अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन इज यूएसएफ लैंड, यूएसएफ तो यूएसएफ को क्यों देगा बोल रहा है। तो इसका मतलब जो वहां का बेल का आदमी लोग जो पहले से सोच रहा है ये मेरा पहाड़ है, बेचारा वो मिसकंसेप्शन में था। एज पर द गवर्नमेंट एंड द कंपनी लैंड डज नॉट बिलोंग टू द पीपल। तो ये इशू जो है बेचारा, हम लोग यहाँ में स्टेट में बहुत सा इशू है, बहुत सा जो चीज़ है जो हम लोग ट्राइबल आदमी को मालूम नहीं है, गवर्नमेंट अंदर से करता है वहाँ में। अभी भी तो अगर कंपनी कोई इसको डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करता तो हम लोग कहाँ मालूम होना था। तो ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए ये हम लोग बोल रहे हैं। किंतु कम आउट विद अ क्लियर पॉलिसी ऑन द यूएसएफ इशू एंड दिबंग बेल में अभी माजरा यही है, कंपेंसेशन हैज बीन ऑलरेडी अवॉर्डेड, फाइनल अप्रूवल हैज बीन गिवन बाय द लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी, लेकिन ये यूएसएफ इशू का कारण से अभी पेंडिंग है, हमको ऐसे सुन रहा है। तो वो यूएसएफ लैंड दिबंग बेल का आपको कोई सवाल करेगा होगा हमको कि नहीं वो कंपेंसेशन का इशू आपसे क्या है, हमसे लेना देना है। आज दिबंग बेली में चर्चा हो रहा है तो कल मेरा जगह में होगा ये यूएसएफ इशू जो। तो ये यूएसएफ इशू को ये लोग बीच में ला के हमारा जो कंपेंसेशन वगैरह में डिस्टर्बेंस लाएगा। तो इसमें हमारा जो सेक्शन 37 लारा एक क्या कहता है, वो कहता है कि डीसी का जो अवार्ड देता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग है, उसको रिकॉल नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए वहाँ में कितना सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट जो है कभी लिखता है नहीं ये लोग का जमीन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, ये लोग को मत दो, फिर कभी लिखता है नहीं दे दो, कभी लिखता है मत दो, कभी लिखता है यूएसएफ लैंड है। तो ये क्या माजरा है। तो इसका बाद में रिसेंटली मार्च को ये सोनोवाल सौरभ एक तो सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट है, उन्होंने अपना ही सेक्रेटरी पास वाला सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट का ऑर्डर को रिवोक कर दिया, क्योंकि उसको मालूम हो गया लॉ जो ऐसे नहीं बोलता है, तो लॉ को समझने में इतना क्यों देरी करता है। कंपेंसेशन अवार्डिंग प्रोसेस में कोई लोकल एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है क्या लारा एक का मुताबिक, कोई नहीं है। इसका बाद में वहाँ में क्या ये जिक्र है क्या सीएम का इन्वॉल्वमेंट होना है, किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट होना है, ये कहीं जिक्र नहीं है। लारा एक में यही बोला है आपको जमीन चाहिए है, आप पर्सन इंटरेस्टेड को बात करो डीसी का द्वारा, इसका बाद उन लोगों ने जो असेसमेंट कमिटी गठन करो, गठन करने के बाद में जो भी कंपेंसेशन आता है दे दो, सिंपल सा बात है। तो इसका बाद में नहीं यहाँ में सब लोग घुसने माने ये घुसने। तो इसमें हम और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक्चुअली हमारा नेता लोगों जेलस है कि वो लोगों का सिटीजन, वो लोगों का पीपल जिसको वो लोग इतना सदियों से दबा के रख रहा है आज उसको पैसा मिल रहा है उसे जेलस है। क्योंकि पैसा जिसका पास, इफ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग दैट मीन्स पॉलिटिकली आपको भी कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ का नेता लोग का क्या थिंकिंग रहता है कि इकोनॉमिकली पीपल को मार देना चाहिए तो वो लोग राजा करेगा ना। तो हम वही समझ में नहीं आता, मेरा रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा है Why the neta are so much interested in interfering with the compensation process? अगर आप लैंड ओनर है तो आप बात करने का अधिकार है, बट देन यहाँ में लारा एक में तो नेता का जिक्र ही नहीं है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कोई भी जमीन को हम लोगों ने देखा, वी हैव यू नो विटनेस मेनी कंपेंसेशन स्कैम इन अवर स्टेट, इसका बाद जनता का ऊपर तोप देता है ये कोऑपरेट नहीं करता डेवलपमेंट को। ओ माई गॉड, एक्चुअली जनता हमेशा वेलकम करता है डेवलपमेंट को ना, लेकिन कहाँ में गंदोगल होता है कंपेंसेशन पेमेंट प्रोसेस में। पेमेंट प्रोसेस में इतना गंदोगल क्यों उसे आप समझ जाओ सब, माने कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो रहा है ना। जैसे कि जमीन मेरा है हमको दे दो ना, सिर्फ क्या जरूरी है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का, फोर्थ पार्टी इन्वॉल्वमेंट का। इसलिए हम लोग बोल रहा है देखो ये यूएसएफ इशू को वन ऑफ द फैक्टर बना के कंपेंसेशन को डिले मत कर दो। ये दिबंग बेल का डिले नहीं है, ये अरुणाचल का है, ये सवाल जो है दिबंग बेल का नहीं है, ये सवाल कल को हमारा जगह में भी प्रोजेक्ट आएगा, ये यूएसएफ इशू को उठा के वो हमको कंपेंसेशन में रैगिंग करेगा, बार्गेनिंग करेगा। हम सब्जी मंडी थोड़ी खोल के रखा है, आप बार्गेनिंग करते रहेगा, मेरा जमीन है हम बेचने माने तो बेचेगा, नहीं बेचने माने नहीं बेचेगा। तो आप फिर हम बेच रहे हैं, हम आपको चलो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन डेवलपमेंट इज मस्ट, सो वी वेलकम सच मेगा प्रोजेक्ट इन अवर स्टेट,
तो पीपल ऐसे जब बोलता है, वेलकम करता है, तो फिर आप बोलते हैं नहीं इतना ले लो इतना ले लो। सब्जी मंडी थोड़ी है ये। लारा एक बोलता है कि कंपेंसेशन एक्यूजेशन से लेके कंपेंसेशन अवार्डिंग तो क्या क्या करना चाहिए, तो इसको फॉलो नहीं करता है। इसको फॉलो नहीं करके क्या क्या नेता लोग इंटरफेरेंस, वो ये हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अरुणाचल का हमारा जो यंग एंड डायनामिक जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, लाइबिलिटी को सेव करने की कोशिश मत कीजिए। आपका समय में जो यूएसएफ इशू है इसको जल्द से जल्द क्लियर कर देने से एटलीस्ट हम लोग जो ट्राइबल पीपल का मिसकंसेप्शन है ये भी दूर हो जाएगा। और आने वाले कल में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो ये यूएसएफ इशू को डिस्प्यूट ला के कंपेंसेशन में रोक टोक नहीं करेगा, हम ये सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।